अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल भाए अमूला समाए, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीश अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फुरमान, अमूलो अमूल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्याण, आखे बरमे आखे इंदे, आखे गोपी तै गोविंदे, आखे सर आखे सिद्धे, आखे केते किते बुद्ध, आखे दानो आखे देव, आखे सुनर मुनजन से, केते आखे आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाए, केते कीते होर करे ता आख न सके के जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगाड़े ता लिखिए सिर गावारा गावारे। प्रभु किन्ना कह है और प्रभु नाल जुड़न वाले कितने महान ने, और ए महान लोग किस ढंग नाल परिपूर्ण परमात्मा दी खोज करदे ने, किस ढंग नाल उसका विख्यान करदे ने। इस पावन पवित्र पौड़ी दे जगत गुरु बाबे ने ए दृश्य खिंचे है, अमूल गुण अमूल व्यापार। परमात्मा दे गुण ऐसे ने जिसका जगत विच मुल पाना किसी वस्तु नाल अत्यंत कठिन है, भाव मुल नाल प्राप्त नहीं हो सकता। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कीमत तेरी पै नहीं सकती, पर जिन्ना ने तेरी सिफ तो सलाह कीती, तेरे नाल जुड़े लीन हो गए, कुछ दसन जोगा रह ही ना, परत के कुछ कह नहीं सके। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने अमूल गुण परमात्मा दे जो गुण ने बेशकीमत ने, किसे भी कीमत नाल हासिल करने अत्यंत कठिन ने। पर अमूल व्यापार इन्हां गुणा दा व्यापार भी इतना महान है जिदा कोई मुल नहीं। भाव इन्हां गुणा दी सांझ करनी, इन्हां गुणा दी चेष्टा करनी, इन्हां गुणा दा व्यापार जो संत जन करदे ने, ए व्यापार भी इतना महान है कि इसका मुल पाना अत्यंत कठिन है। दरअसल व्यापार शब्द ऐसा है, हो सकता है इस देश कोई संसार दी बू आवे, पर सतगुरु देव जी महाराज ने इत्थे जो शब्द वरते है निरोल धार्मिक जज्बे नाल, भाव है ते सब कुछ है उस परिपूर्ण परमात्मा दा। व्यापार दी दुनिया च है कुछ देना है कुछ लेना है, लेकिन की देना है उसनू, तेरा दिया तुझे क्या अर्पों, जद सब कुछ तेरा दिता है तो मैं तेरे चरणा ते रखा ते की रखा। व्यापार दी दुनिया च कुछ देना है कुछ लेना है, इनू कहिंदे ने व्यापार। पर इस गुणा दे विहाजन नू व्यापार दा रूप व्यापार दा नाम सतगुरु देव जी महाराज ने जो दिता है, दरअसल इस वास्ते कि एक हिम्मत ते हौसला ते कीता है, देण दी ते कोई समर्था नहीं, ना ही दे सकदे ने, लेकिन एक हिम्मत है आखण दी, हे प्रभु ए सब कुछ तेरा है। बस ऐसा जड़ा आखण है ए इतना महान है जिसका कोई मुल नहीं, इसे नु आख्या है कि ए व्यापार महान है। ते महाराज इसकी प्रेरणा करदे ने, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निवहे खेप तुम्हारी। पर साहिब कहिंदे ने जगत देच एहो व्यापार विरला व्यापारे, नानक ताके सद बरहारे। कोई विरला ही
इस वपार दा वपारी बनदा है, इना गुणा दे विहाजन वाला बनदा है। भगत कबीर जी महाराज दा फरमान, किन्ही बनजे आकांसी तांबा, किन्ही लोंग सुपारी, संतो बनजया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़या निर्मोलक, छूट गई संसारी। जगत गुरु बाबे ने ते बकायदा नाम रसिया नु बनजारा आख्या, बनजारा वणज करन वाले व्यापारी। और अनेका शब्द ने जिस दे सतगुरु देव जी महाराज वणजारा कहंदे ने, तो महाराज फरमान कर रहे ने परमात्मा दे गुण अमुल ने, भाव उसकी कोई कीमत नहीं, पर इना गुणा दा जो व्यापार है ए भी अमुल है, एदी भी जो है कोई कीमत नहीं। अमुल व्यापारी है अमुल भंडार, इना गुणा दा व्यापार करन वाले जो संत जन ने, इना दी भी कोई कीमत नहीं, इना दा भी कोई मुल नहीं। कम से कम इतनी हिम्मत ते कीती, हे प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जद के छोटे तो लेके वड्डा मनुख मैं दे तल ते जींदा है, मेरी जात मेरी पात मेरा धन मेरा परिवार मेरा मुलक मेरी भाषा मेरी कौम मेरा रंग मेरा रूप समो मनुखी जगत मेरे दे तल ते जींदा है। कदी कदाई इस मेरे मेरे दी भीड़ विच कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होंदा है जो कह देंदा है मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। कदी कदाई कोई कबीर जैसी आत्मा आउंदी है जो कह देंदी है तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तो सतगुरु देव जी महाराज फरमान करदे ने इना गुणा दा व्यापार करन वाले जेड़े व्यापारी ने संत जन ने, उना दा भी कोई मुल नहीं, संत दी भी कोई कीमत नहीं। वो इतना महान है कि किसे चीज नाल किसे वस्तु नाल उसकी तुलना करनी अत्यंत औखी है। अमुल भंडार परमात्मा दे जेड़े गुणा दे भंडार ने, ए भी अमुल ने, बेशकीमत ने, अंदाजे तो परे ने, अमुल नहीं अंदाजा लाया जा सकता, नहीं उना दी कीमत पाई जा सकती किन्ने के गुण ने और कितना वड्डा ए भंडार है। अमुल आवे अमुल ले जाए, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थे फरमान, संत जना दा आवना भी इत्थे अमुल है, महान है, बेशकीमत है, भाव उना दे आउन दा एक प्रयोजन है कि जगत नू साड़ी होंद तो कुछ मिले। डाकू देवी आन दा प्रयोजन है जगत देच, बे कुछ खोना है, कुछ लुटना है, कुछ बर्बाद करना है। इस वास्ते डाकू दा जो जन्म होया है, डाकू दा जो संसार ते आवना होया है, आम एक संसारी बंदे दा जो संसार ते आवना होया है, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। महाराज कहिंदे अमुल आवे, संत दा जगत विच आवना भी बेशकीमत है, अमुल है, उसकी होंद तो जगत नू कुछ मिलता है। भाई साहब भाई नंद लाल जी महाराज दा फरमान, दो आलम गश्त रंगी अस्त फैलश चू शाहम जामा रंगी दरगुलू कर। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ये जड़ा रंगीन चोला पहने है, रंगीन जामा धारण कीता है, भाव मनुखा तन जिड़ी थोड़ी आत्मा ने धारण कीता है, इहदे नाल दो आलम रंगीन हो गए ने, इहदे नाल छोटे ते वड्डे नू रंग चढ़ गए, थोड़ी होंद नाल कई रंगीन हो गए, थोड़े आवण दे नाल कईयां दे आवणे जावणे मिट गए। इस तरह दे पुरशां नू कहिंदे ने इह जीवन मुक्त पुरश ने, और इन्हां दा आवणा संसार दे हित लई आउंदा है, संसार दे कल्याण लई आउंदा है। तो साहिब कहिंदे ने इह वास्तविक जन्म ते मरण दे बंधन दे च नहीं आउंदे। अगर जन्म दा ए बंधन कबूल करदे ने ते कईयां दे बंधन तोड़न लई, अगर मरण दा ए बंधन कबूल करदे ने तो कईयां नूं मौत दे भय तों उच्चा करन लई। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने कि जन्म मरण दो हूं मैं नाही जन पर उपकारी आए। तो महाराज फरमान करदे ने अमुल आवे, इन्हां दा आवणा अमुल है, बेशकीमत है, कोई मुल नहीं। अमुल लै जाए क्योंकि ये अमुल गुणा दे खजाने लैके चले जाते हैं। ऐसा नहीं
कि बिल्कुल झोली खाली कर जांदे ने, जगत देच धन वंडो ते वंडदे आई घटदा है। चार भरावां देच धन तकसीम होवे तो घट जाएगा। इको एक धन है परमात्मा दा नाम, जितना वंडो उतना ही वधदा है। तोट ना आवे वध दो जाई, खावो खर्चो रल मिल भाई। तोट ना आवे वध दो जाई, धन संसार दा अगर बहुता खर्चिए वंडिए ते तोट ते आ जानी है, उते घट जाना है। तकसीम होंदे आई घट जाना है। पर ए गणत परमात्मा दे गुणा दते पूरा नहीं उतरदा। नाम रस नाम ज्ञान प्रभु दे गुणा दा ज्ञान जितना वंडिए उतना ज्ञान वद्दा है, उतने गुण वद्दे ने, उतना रस वद्दा है। दरअसल बाहर दी संपदा जोड़न दे नाल वद्दी है, अंदर दी संपदा वंडन दे नाल वद्दी है। ए नियम विपरीत ने, वख वख ने। और इस वास्ते कहिंदे ने कि नाम रस आउंदे ही मनुख शूम नहीं रह जांदा, उस दे अंदर वंडन दी भावना पैदा हो जांदी है। जो मैं जाने है ये जगत भी जाने, जो कुछ मेरे कोल है ये जगत कोल भी होवे। इस वास्ते देखण दे चाया कदी कदाई एक भगत एक संत घर बार छड़ के तपस्या करन जंगलां चला जांदा है, पहाड़ां दी कंदरां दे चला जांदा है। पर जद उसनू कुछ रस मिल जांदा है, आनंद मिल जांदा है, फिर शहरां दी भीड़ विच आ जांदा है। तो हुण शहरां दी भीड़ नाल की मतलब? दरअसल जो रस उसने प्राप्त किया है हुण वंडन दा चाह पैदा हो गया। जो शांति उसने लभी है उन्हों वंडन दे च ही हुण उहदी शांति बरकरार रहनी है। इस वास्ते नाम धन दे मिलदे ही मनुख दे अंदर वंडन दी चाहत पैदा हो जांदी है। तो महाराज कहिंदे ने अमुल आवें अमुल ले जाएं। इस तरह दा संत जणां दा जगत विच आवना भी महान है, अमुल है, बेशकीमत है। और इन्हां दा जगत तो चले जाना भी बेशकीमत है। इस तरह दे पुरशां दे जन्मदिन भी मनाए जांदे ने, बरसियां भी मनाई जांदियां ने। इन्हां दा जन्मदिन मनाना जन्म तो उच्चा होण दा भाव पैदा करदा है, भाव जीवन दी लालसा नूं छड्डिए। ते इन्हां दी बरसी नूं मनाना मौत दे भय नूं दूर करदा है। तो इन्हां दा जन्म और मरण भी संसार नूं कुछ शिक्षा देंदा है, संसार नूं कुछ ज्ञान देंदा है। इस वास्ते साहिब कहिंदे इन्हां दा आवणा जावणा भी इतना अमुल है जिहदी कोई कीमत नहीं पाई जा सकदी। अमुल भाए अमुला समा है, अमुल है इन्हां दा परमात्मा नूं भा जाना। जो परमात्मा दा भाव इन्हां दे अंदर पैदा होया ते परमात्मा नूं भा गए ने, साहिब कहिंदे ने इहदी भी कोई कीमत नहीं। अमुला समाए क्योंकि भाण दे नाल ही इह उस अमुला परिपूर्ण परमात्मा दे च समा गए ने, लीन हो गए ने। अमुल धर्म अमुल दी भाण, परमात्मा दी बनाई हुई मर्यादा, उसका बनाया हुआ धर्म, उदे बनाए हुए असूल, उसका बनाया हुआ विधान भी अमुल है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, उदी भी कोई कीमत नहीं। ऐसा सुंदर विधान है। दरअसल विधान तो बिना सूरज चंद तारियां दा टिकना बहुत औखा। साडे शरीर दी एक एक नस भी किसी विधि विधान दे मुताबिक अंदर काम कर रही है और तरतीब नाल बनी हुई है। साहिब कहिंदे ने पुत्री तेरी बिध कर थाटी, ऐ बंदे इस शरीर दा पुतला परिपूर्ण परमात्मा ने किसी विधि विधान दे नाल बनाया है। हाथ पैर हथां पैरां दियां उंगलियां, दंद अख केस नसां हड्डियां बकायदा किसी विधि विधान दे नाल बनियां होईयां ने। ते जिस नियम नूं परमात्मा ने इस पिंड दे च रखे है उही नियम ब्रह्मंड दे च कम कर रहा है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, उदा धर्म उसदा विधान ए भी अमुल है। अमुल दी बाण उदी महफिल उसदा दरबार ओ भी इतना वड्डा है कि अंदाजा नहीं लाया जा सकदा किन्ना क है, उदा भी कोई मुल नहीं। अमुल तुल अमुल परवान, ओ तकड़ी भी अमुल है जिस देते जीवां दे कर्म
तोले जांदे ने ते ओ वट्टा प्रमाण जिस दे नाल जीवां दे कर्म तोले जांदे ने जिस वट्टे नाल ओ वट्टा भी महान है ओ तकड़ी भी महान है। भाव परमात्मा ने ये जो धर्म विधि विधान बना रखे है और जिस ढंग दे नाल कर्मां नू तोलिया जांदा है ते जिस पक्ष तो तोलिया जांदा है साहिब कहिंदे ने ये भी अंदाजे तो परे दी गल है। इस दी भी कीमत लावणी बहुत औखी है। अमुल बख्शीस अमुल निशान उदियां बख्शिशां भी इतनिया महान ते इतनिया ज्यादा ने कि उदी कीमत पानी बहुत औखी है। दरअसल बाजार चों असी लक्कड़ दे हथ लै सकदे आ ए हथ नहीं जो पैर सानू ए मिले ने इन्हां दा कोई मुल नहीं। हां प्लास्टिक दे लक्कड़ दे पैर किसे नू मिल सकदे ने दंद पत्थर दे मिल सकदे ने पर ए दंद इन्हां दा कोई मुल नहीं इन्हां दी कोई कीमत नहीं। एक एक वस्तु बेस्ट कीमत है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने उदियां इतनियां वड्डियां बख्शिशां ने जिहदी कोई कीमत नहीं। हवा तो बिना एक सैकंड भी जीवना बहुत औखा है पर हवा सानू मुफ्त च मिल रही है। सूरज तो बिना एक सैकंड भी साडा जीवना औखा है। सूरज ठंडा पै जाए समूह पिंड ते ब्रह्मंड ठंडा पै जाएगा पर यह रोशनी सूरज की यह तपश सानू मुफ्त जो है मिल रही है ये उस दियां बख्शिशां ने ये उदियां दाता ने। साहिब कहिंदे इन्हां दा भी कोई मुल नहीं। अमुल निशान उदी बख्शिश दा जो निशान है ये भी अमुल है। दरअसल किसे ते बख्शिश हो जाए ते इदी कुछ परख होंदी है भी फलाने मनुख ते बख्शिश है रहमत है ते बख्शिश गुणा राही प्रगट होंदी है बख्शिश शराफत राही प्रगट होंदी है बख्शिश तरह तरह दे उच्चे इखलाक दे राही प्रगट होंदी है। तो ये जिहड़ा प्रगट होना है ये निशानी है प्रभु परिपूर्ण परमात्मा दी। अरोग देही दा होना सुंदर देही दा होना साहिब कहिंदे ने ये भी बख्शिश है। जे प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप ऐ मनुख उदी बख्शिश नाल तू सुंदर है तू अरोग है नरोवा है और उदियां अनंत बख्शां ने जिन्हां दा कोई मुल नहीं और ए उस दियां निशानियां ने। अगर तू सुंदर है नरोवा है गुणवान है धनवान है शराफत दा पुतला है उच्चा इखलाक है तेरा ए उस दियां महान बख्शिशां दियां निशानियां ने। अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फरमान अमुल है उदी रहमत कीमत तो परे और अमुल है उसका फरमान करना हुक्म करना बख्शिशां नू वंडना रहमत नू वंडना कर्म दा करना और इस प्रति उसका फरमान करना भी फलाने नू बख्शिश हो गई फलाने नू बख्शिश हो गई फलाने ते बख्शिश कर दिती। इस तरह का उसका जिहड़ा फरमान है जो हुक्म है समूह जगत दे जो राज है साहिब कहिंदे ने इसकी भी कीमत पावनी इसका भी अंदाजा लावना बहुत औखा है क्योंकि जितना वड्डा वो आप है उतना ही वड्डा उसका फरमान है और उसके फरमान विच उसके हुक्म विच सारे दे सारे आव जांदे ने। कोई थां ऐसी नहीं जिथे उसका फरमान नहीं जिथे उसका हुक्म नहीं। तो साहिब अगां चल के फरमान करते ने अमुलो अमुल आख्या ना जाए वो अमुल है महान है और इतना महान है कि अमुल अमुल भी सही ढंग नाल आखना बहुत औखा है बहुत औखा है। अनुभव दे नाल आखना बहुत औखा है तो अंदाजे तो परे है। अमुल लो मुल आख्या ना जाए वो अमुल है उदा मुल नहीं आख्या जा सकदा उदी कीमत नहीं आखी जा सकदी इतना वो महान है। आख आख रहे लिव लाए जिहड़े आखण नू पै बई मुल कहना है कीमत कहनी है अंदाजा लाण विच पै गए खोज विच पै गए पर जितनी उन्होंने खोज की थी अंजाम की होया लीन हो गए कहन जोगा ही ना रहे खामोश हो गए चुप रह गए। आख आख रहे लिव लाए पहले ते आखण लगे वो इन्ना वड्डा है और उसदे इतने गुण ने अंदाजे लाण लग पे लेकिन अंदाजे लांदिया ही लांदिया समा गए लीन हो गए
अंदाजे लान जोगे भी ओ ना रहे, मुल पान जोगे भी ओ ना रहे। तो साहब कहंदे आख आख रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण। आख रहे ने, अंदाजे ला ले ने, और अमुल अमुल करके बयान कर रहे ने कौन वेद पुराण ते इना दे पाठी। वेदां दा पाठ करन वाले, पुराणां दे पाठ करन वाले, ए ज्ञाता ए पाठी कह रहे ने ओ परिपूर्ण परमात्मा अमुल है, अमुल है। आखे पढ़े करें वख्यान, फिलोसफर जन पढ़े लिखे दार्शनिक मनुख पढ़ पढ़ के व्याकरण जगत नु समझांदे ने धर्म ग्रंथां दे, वख्यान कर रहे ने ते कह रहे ने परमात्मा अमुल है, अमुल है, बेशकीमत है। आखे बर में आखे इंद, इस ढंग नाल फरमान कर रहे ने प्राचीन देवतियां दे चों सिरमोर ज्ञाता ब्रह्मा जी, ओ भी कह रहे ने हे प्रभु तू अमुल है, तेरी कोई कीमत नहीं। और इंद्र पुरी च बैठा, ए इंद्र देवतियां दा सिरमोर, ए भी कह रहे है हे प्रभु तेरी कोई कीमत नहीं, तेरी कोई कीमत नहीं, भाव तुम बेशकीमत है, तुम महान है। आखे गोपी तै गोविंद, हू बहू यही गल आख रहे ने गोपियां दे समेत श्री कृष्ण के, हे प्रभु तेरा अंदाजा लावना बहुत औखा है, तेरे विराट स्वरूप नु वेखना बहुत औखा है, तू अमुल है, तू अमुल है। आखे ईसर आखे सिद्ध, सिद्धा दे नाल बैठे हुए, जोगियां दे नाल बैठे हुए महादेव भी आखे आख रहे ने कि अमुलो अमुल आख्या ना जाए, तू अमुल है, तेरा मुल नहीं आख्या जा सकता। जोगियां नाल बैठे, सिद्धा नाल बैठे, लंबियां धूनियां सजा के बैठे शिवजी भी अपने चेलियां समेत कह रहे ने हे प्रभु अमुलो मुल आख्या ना जाए, तू अमुल है, तेरा मुल कहना बहुत औखा है, बहुत औखा है। आखे केते कीते बुद्ध, कई तरह दे जड़े तू बुद्ध कीते ने, विद्वान बुद्धिमान या महात्मा बुद्ध जैसे अवतारी पुरुष है परिपूर्ण परमात्मा जड़े तू पैदा कीते ने, ओ भी कह रहे ने तू महान है। और इंज बयान कर रहे ने अमुलो मुल आख्या ना जाए, तू अमुल है, तेरा मूल वर्णन करना औखा है। आखे दानव आखे देव, माड़ी बिरती रखने वाले जिड़े पुरुष ने आखिर ओ भी थक के कह देंदे ने हे प्रभु तेरा अंदाजा लाना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ते देवते जो प्रकाशमान ने, गुणा दे मुजस्मे ने, ज्ञाता ने, जिन्हा दा हिरदे दा दीवा रोशन है, ओ भी कह रहे ने अमुलो मुल आख्या ना जाए। आखे सुर नर मुनि जन देव, आख रहे ने नर मुनि देवते होर तरह तरह दे सेवा करन वाले, हे प्रभु कह रहे ने सारे ही कह रहे ने कि तेरा मुल पाना बहुत औखा है, बहुत औखा है। केते आखे आखण पाए, कितने होर नवे आखण नू पै रहे ने, आज तो ही आरंभ कर रहे ने कि हे प्रभु तू अमुल है, अमुल है। भगत कबीर कहने ने तू सतगुर हो नौ तन चेला, कहे कबीर मिल अंत की बेला। हे प्रभु तू ते सतगुरु है, सत दा मुजस्मा है, पर मैं तेरा नवा बनिया अज दा चेला, अज तो ही गल शुरू करदा पिया, मैनू कोई बहुत लंबी चौड़ी गलां दा पता नहीं, हे प्रभु मैं कोई बहुत लंबी वाट नहीं तय की थी, मैं ते नवा चेला। तो साहब कह रहे ने के ते आखे आखण पाए, कितने होर ने जो आखण नू पै रहे ने, इस मार्ग ते चल रहे ने और आरंभ कर रहे ने और अंदाजे लाके कह रहे ने हे प्रभु अमुलो मुल आख्या ना जाए। केते कह कह उठ उठ जाए, कितने ने जो कह रहे ने और कहंदिया ही कहंदिया उन्हां दा अंत हो जांदा है ते संसार तो उठ के चले जांदे ने, यही आखदे रहिंदे ने तू अमुल है, अमुल है, जगत तो अमुल अमुल आखदे ही चले गए, उठ गए। एते कीते होर करे, साहिब कहंदे ने जितने तू कीते ने जिड़े तेनू अमुल अमुल करके आख रहे ने, देवी देवतियां दे समेत, दानव ते सुर नर दे समेत, ब्रह्मा
ते शिवजी दे समेत श्री कृष्ण ते गोपियां दे समेत महात्मा बुद्ध जैसियां अजीम शक्तियां इस तरह दे जिड़े तू पुरश पैदा कीते अनंत ते जिड़े तेनू कह रहे ने तू अमुल है महाराज कहंदे ने एते कीते होर करे जे इतने तू होर भी पैदा कर लवें जे इतने तू होर भी बना लवें भावें ए भी गिणती च नहीं अनंत बुद्ध ने अनंत कृष्ण ने अनंत शिवजी जैसे समाधियां लाने वाले ने अनंत ब्रह्मंड ने पर साहब कहंदे फिर भी तू अंदाजे तो वद होर भी इतने पैदा कर लवे एते कीते होर करे ता आख न सके कई के ता भी कोई ए आख नहीं सकेगा कि असी मुल पा लिया अंदाजा ला लिया ओदी कीमत पा छड़ी ता भी यही आख्या जाएगा कि अमुल्लो मुल आख्या ना जाए जेवड़ भावे तेवड़ होए जितना तू चाहना है उतना ही हो जाना है दरअसल ब्रह्म दा मतलब ही है फैलदा होया पसरदा होया असीम है ओदी कोई सीमा नहीं तू जितना अपने आप नू चाहना है उतना ही हो जाना है नानक जाने साचा सोए पर तू कितना वड्डा हो जाना है महाराज कहंदे ने इते सच्चा मालिक वो आप ही जानदा है को किन्ना पसर गया वो किन्ना वड्डा हो गया पर हुण कोई इस ढंग दा कोई मूड बंदा दावा करे जे को आखे बोल विगाड़ विगाड़ बोल विगड़िया होया बोल केड़ा कि मैं अंदाजा ला ले मैनू पता चल गया ए ब्रह्मंड कितना का है परमात्मा की है ईश्वर की है उदे गुण की ने मैं जान लिया मैं समझ लिया महाराज कहंदे इस तरह का कोई विगड़िया होया बोल बोले जे को आखे बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार ता उनू इंज कहना पेगा ते लिखना पेगा एक गवार नहीं गवारा दा सरदार है गवार तो मुराद जेदी जानकारी सिर्फ गांव तक सीमित है पिंड तक सीमित है जो गांव दे चंद बंदियां तो इलावा चंद घरां तो इलावा होर कुछ नहीं जानदा गांव दी चार दीवारी तो इलावा जिसनू कुछ भी पता नहीं गवार महाराज कहंदे ने जिहड़ा इस ढंग दा विगाड़ बोल बोले कि मैं जान लिया मैं समझ लिया मैनू पता चल गया तां महाराज कहंदे ने ओ गवार नहीं ओ मूर्ख नहीं बल्कि मूर्खां दा सरदार है गवारां दा सरदार है मूल भाव इस पौड़ी विच इह कि परमात्मा दे गुण इतने महान ने जिन्हां दी कीमत पावणी बहुत औखी ने धनता दे योग हन ओ संत जन जो इन्हां गुणां दा व्यापार करदे ने और अपने हिरदे विच परमात्मा दे गुणां नूं थां देंदे ने ते साहिब कहिंदे ने इस तरह दे जिहड़े संत ने ओ भी धनता दे योग ने महान ने।